वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए सर्वे करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा लाइका TS06 प्लस में कैसे रिसेक्शन की फंक्शन को यूज करके इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जा सकता है। तो चलिए इंस्ट्रूमेंट का स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लाइका TS06 प्लस डिस्प्ले में अभी हम लोग दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको टिल्ट कर लेना है। तो टिल्ट हमारा हो गया तो F4 कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कर्सर को लेके प्रोग्राम में मैं गया, एंटर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद स्टेशन सेटअप में एंटर करना पड़ेगा, एंटर प्रेस किया। उसके बाद जॉब सेट करना पड़ेगा। तो जॉब सेट के लिए F1 जॉब सेट प्रेस किया। तो ये जॉब में मैं करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी जॉब हमारा दीपू सेट है। कंटिन्यू F4 प्रेस करता हूँ, जॉब सेट हो गया। अभी फिर से F4 कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। करने के बाद इधर कर्सर को घुमा के रिसेक्शन देखना है। तो रिसेक्शन आ गया, F4 फिर से कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। उसके बाद एंटर स्टेशन डाटा, मतलब अभी इंस्ट्रूमेंट जिधर खड़ा है उधर आप कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं दे देता हूँ P6 दे दिया। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप चाहे तो दे सकते हैं इधर से नीचे तक, और नहीं भी दे सकते। तो मैं दे दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इसलिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एंटर स्टेशन डाटा देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो एंटर प्रेस कर दिया, F3 कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो F3 प्रेस कर दिया। उसके बाद टारगेट पॉइंट, एंटर टारगेट पॉइंट। तो उधर देख रहा है आप लोग, लेज़र पड़ा है, वो पॉइंट है P7 और इधर एक पॉइंट है P8, ठीक है। तो P7 में अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ID में आपको P7 देना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट में कर लेता हूँ P, उसके बाद नंबरिंग में जाके 7। तो P7 दे दिया। पॉइंट ID मतलब जिस पॉइंट पे टारगेट है उसका ID है P7। तो P7 मैंने डाल दिया। तो उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में हमारा लोड है इसलिए इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया। तो कोऑर्डिनेट को व्यू करने के लिए इधर व्यू F1 प्रेस कर सकते हैं आप लोग। प्रेस किया, देखिए 2000, 3004.966 और 101.451 उसका लेवल है। तो F4 कंटिन्यू प्रेस करते हैं। आप चाहे तो नया तरीके से इनपुट करने के लिए ENH प्रेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग नॉर्थिंग हाइट आप चाहे देने के लिए F2 प्रेस करने के बाद स्ट्रिंग नॉर्थिंग हाइट देने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा लोड है तो उस पर व्यू भी कर लिया हम लोग। फिर से F4 कंटिन्यू प्रेस करते हैं, प्रेस कर दिया। उसके बाद वो पॉइंट को अच्छे से टारगेट करने के बाद आपको डिस्ट F2 प्रेस करना है, डिस्ट। तो प्रेस कर दिया मैं नॉन पिजम करके। तो चाहे आप पिजम भी कर सकते हैं, नॉन पिजम। तो पिजम मोड में अगर आपका है, नॉन पिजम करने के लिए इधर F3 में EDM दिख रहा है, EDM प्रेस कीजिए। ये देखिए नॉन पिजम है तो ऐसा रहेगा। तो नॉन पिजम कर दीजिए, हो गया कंटिन्यू F3 हो गया। अभी DSP प्रेस किया अच्छे से टारगेट करने के बाद। उसके बाद अब मेजर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो F1 में मेजर कर देता हूँ। F1 मेजर में कर दिया। उसके बाद F1 पे मेजर मोर पॉइंट, तो और एक पॉइंट लगेगा रिसेक्शन के लिए, जिसको हम लोग F8 को और एक पॉइंट लेंगे। तो F8 को इधर डालने के लिए इंस्ट्रूमेंट को मेजर मोर पॉइंट में जाने के लिए F1 प्रेस करता हूँ। तो F1 प्रेस कर दिया। उसके बाद उस पॉइंट का ID क्या है, P8। तो P8 डाल देता हूँ मैं, P8। तो P8 पॉइंट ID मैंने डाल दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए फिर से ये पॉइंट लोड है। तो व्यू करता हूँ कोऑर्डिनेट, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया,
F4 कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, फिर से F4 कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, उसके बाद वो पॉइंट पे टारगेट कर लेता हूँ। देखिए P8 में मैं क्या किया, साइट कर लिया अच्छे से। उसके बाद देखिए फिर से डिस्ट F2 प्रेस करना है, तो F2 प्रेस कर दिया और एक बार कर देता हूँ। करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा या तो स्टोर करना पड़ेगा, तो मेज़र कर देता हूँ। देखिए मेज़र करने के बाद एक्यूरेसी पोजीशन कितना है, 0 mm, एक्यूरेसी हाइट लेवल में कितना एक्यूरेसी है, 0.0, और एक्यूरेसी हॉरिजॉन्टल जेनिथ एंगल में 10 सेकेंड का एरर है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब देखिए कंप्यूट करने के लिए F4 प्रेस करना पड़ेगा, मेज़र और चाहे तो 2 से भी ज़्यादा पॉइंट लेने के लिए फिर से F1 प्रेस करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप और एक पॉइंट को आप रिसेक्शन के लिए सेट करना चाहते हैं तो F1 प्रेस करना पड़ेगा। तो 2 ही पॉइंट काफ़ी है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत पॉइंट ले सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हो गया हमारा, तो F4 कंप्यूट करते हैं, F4 कंप्यूट कर दिया। उसके बाद देखिए P6, ये जो हमारा अभी मशीन खड़ा है, इधर का कोऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया P7 और P8 का हिसाब से, तो F4 सेट करना चाहते हैं तो F4 प्रेस कर दिया। देखिए ओरिएंटेशन एंड स्टेशन सेटअप हमारा हो गया। उसके बाद अब जिधर भी काम करना चाहते हैं, सर्वे में, स्टेकआउट में, रेफरेंस प्लेन में, रेफरेंस आर्क में, रेफरेंस लाइन में, सब जगह पे आप काम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारा टोटली सेट हो गया। तो यही था आज का टॉपिक। तो कैसा लगा है दोस्तों वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पे जो नया विजिटर आ रहा है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।